एड्रेस दे रहे हैं आप बच्चों को, साथ में कुछ चीज़ें भी जो दे रहे हैं, क्या कुछ मुआवजा ले रहे हैं बच्चों से इसका? नहीं, हमें मुआवजे की जरूरत नहीं है, या तो हम खुशियाँ बांटने आए हैं, तो बस जो कर रहे हैं हम खुद ही कर रहे हैं। हम उनकी तरफ से आज यतीम बच्चों के लिए कपड़ों का स्टोर लगा है, हर साइज़ के कपड़े रखे हुए हैं, तो जो बच्चे आएंगे हम तो उनके साइज़ के मुताबिक फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये कपड़े दिए जाएंगे। तो हर बार हम बच्चों के मुताबिक चीज़ें रखते हैं, जैसे कि उनके लिए गेम्स वगैरह रखते हैं, उनके लिए जो है हमने बेकरी की चीज़ें रखी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप इस वक्त देख रहे हैं मोमेंटिक न्यूज़ और मेरा नाम है काशिफ शेयरी और आज हम मौजूद है फिफ्थ ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल पर। ये वो खुशियों का बाजार है जिसे सीरत अब्बास जैदी ने सजाया है। सीरत अब्बास जैदी की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तानी वो शख्सियत है जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, लेकिन उनका दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कता है और उसकी मिसाल ये आज का बाजार सजाया गया सीरत अब्बास जैदी की जानिब से, प्योर वेलफेयर की जानिब से। आज हम वहाँ मौजूद हैं और हम बात करेंगे यहाँ लोगों से कि उन्हें कैसा लग रहा है और क्या इंजॉय कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। और कुछ सियासी शख्सियात, कुछ मजहबी शख्सियात भी यहाँ पर मौजूद हैं, आज हम उनसे भी बात करेंगे और आपको कुछ यहाँ के मनाजिर हम दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, लोगों से इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरीबा, डॉक्टर अरीबा। डॉक्टर अरीबा, माशाल्लाह, क्या कर रही हैं अरीबा? आप डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ तो मुझे खाने पीने की चीज़ें नज़र आ रही हैं। खाने पीने की चीज़ों का मकसद ये है ताकि बच्चे यहाँ पे अट्रैक्ट हों, आए। हमारा बेसिकली यहाँ पे एक मेडिकल कैंप है। मेडिकल कैंप का मकसद ये है कि हम बच्चों में अवेयरनेस पैदा कर सकें। अवेयरनेस आप जानते हैं, अभी इस वक्त हम एक पेंडेमिक में हैं, तो अवेयरनेस हमें मास्क की देनी है, हमें सैनिटाइजर्स की देनी है, बच्चों को क्या बड़ों को भी इन चीज़ों की अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो हमने बस इस तरह की एक्टिविटी, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अरेंज की ताकि बच्चे आना पसंद करें। जब वो आएंगे तो फिर उन्हें ऑब्वियसली बात है, हम अवेयरनेस देंगे। अवेयरनेस दे रहे हैं आप बच्चों को, साथ में कुछ चीज़ें भी जो दे रहे हैं, क्या कुछ मुआवजा ले रहे हैं बच्चों से इसका? नहीं, हमें मुआवजे की जरूरत नहीं है, या तो हम खुशियाँ बांटने आए हैं, तो बस जो कर रहे हैं हम खुद ही कर रहे हैं। बच्चों को हम कुछ कैंडीज, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कैंडीज हैं, लॉलीपॉप्स हैं, साथ में छोटी सी पायोडीन की बॉटल है, सैनिटाइजर की बॉटल है, टिश्यू पेपर है, मास्क है, ये सारी बच्चों के नीड की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हम उन्हें दे। आप किसी एनजीओ के तहत ही काम कर रही हैं या आप जस्ट यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्त हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं? हम सिर्फ यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, जिससे मैं दाऊ की हूँ और हैं यहाँ पे बकई के हैं, जियाउद्दीन के हैं। तो हमने खुद ही एक अपना मेडिकल का ग्रुप बनाया और फिर हमने यहाँ आना पसंद किया। यहाँ के ये हमने स्टॉल पिछले साल भी लगाया था, तो पिछले साल हमें बहुत मज़ा आया स्टॉल को लगाने में और अवेयरनेस देने में, तो हमने इस दफ़ा फिर अपना स्टॉल ज़रा। जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जो यहाँ के बानियान हैं, उनके लिए कोई पैगाम है आपकी तरफ से? उनके लिए पैगाम ये है कि ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं और ऐसे हमें और लोग चाहिए जो ये चीज़ें करवा रहे हैं, और जो काम वो करके जा चुके हैं, जो काम उन्होंने किया है, ये बहुत बेहतरीन काम है। इसकी ज़रूरत है हमारे माशरे में, क्योंकि यहाँ मिडिल क्लास से ज़्यादा लोअर क्लास लोग हैं और लोअर क्लास लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम। आपका नाम? आयान। आयान, आयान क्या हो रहा है? अयाज मोती वाला, हमने तो देखा है कि पिछले साल तो उन्होंने बारिश कर दी थी सोनों की, किसी को बालियाँ दी, किसी को क्या दिया, आज क्या क्या देने जा रहे हैं? जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था उसी तरह हो रहा है, मगर आज इस दफ़ा और कुछ लेटेस्ट है। आज तो आईफोन 12 प्रो मैक्स दे रहे हैं और गोल्ड के कोइन हैं, गोल्ड के टॉप्स हैं, गोल्ड के नो स्पिन्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जो गोल्ड की लकी ड्रॉ में दे रहे हैं। और लकी ड्रॉ के अलावा ये घड़ियाँ हैं, परफ्यूम्स हैं, बॉडी स्प्रे हैं जो हम ये यतीम गरीब मस्किन बच्चों को डोनेट करेंगे। चप्पलें हैं, कपड़े हैं, सब लेकर आए हैं। ये सारी आप दिखा सकते हैं इनको कि ये सब हम डोनेट करने के लिए लेकर आए हैं। सर, आप दे रहे हैं बच्चों को माशाल्लाह बहुत कुछ यहाँ दे रहे हो, बच्चे से काफ़ी मुस्तफीद भी हो रहे हैं। मीडिया वर्कर्स के लिए कुछ इस तरह अरेंज नहीं किया आपने? सर, इनके लिए किया था, गिफ्ट वगैरह रखे हुए हैं, वो इंशाल्लाह उनको भी मिल जाएंगे, हमें भी मिलेगा हमारा इंशाल्लाह ज़रूर। अयाज मोतीवाला साहब खुद आ रहे हैं यहाँ पर? जी, वो इंशाल्लाह वो भी पहुँच रहे हैं, 10 से 15 मिनट में वो भी पहुँच जाएंगे। क्या मकसद है मस्जिद? हम देख रहे हैं कि वो जो है बहुत सोशल कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा उस सिचुएशन में उन्होंने राशन तकसीम किए और मुख्तलिफ एनजीओज के साथ मिलकर उन्होंने काम किया और ये कैंप आज का, तो आगे और क्या मकासद है अयाज मोतीवाला के वो आगे और किस तरह के काम करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? सर, बस वो चाहते हैं कि कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना सोए। राशन इसलिए उन्होंने तकसीम किया लॉकडाउन में, कोई गरीब भूखा ना सोए, इसलिए वो गरीबों की मदद करते हैं कि कोई किसी हाल में भी है तो उसको प्रॉब्लम ना हो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बन्नी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम आपसे हमारी मुलाकात हुई थी इसी स्टॉल पर हुई थी, एक साल बाद फिर आज हम मिल रहे हैं। इल्यूमिनेशन ऑफ होप, आपने मुझे बताया था कि बहुत कुछ कर रहा है, मैं भूल चुका हूँ, फिर से बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्यूमिनेशन ऑफ होप जो कि काम करता है रिस्टोरेशन ऑफ होप पे, कि दुनिया में जितनी भी उम्मीद लोगों के अंदर ख़त्म हो चुकी है, डिस्ट्रक्शंस की तरफ जाए जा रहे हैं, इंसान नाउमीद हो गए हैं, लेकिन उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के यकीन को, इंसान को एक उस लेवल पर पहुंचाती है जिसके लिए अल्लाह ने उसको बनाया गया है। तो इल्यूमिनेशन ऑफ होप बेसिकली काम करती है खुद के ऊपर, रिस्टोरेशन के ऊपर, और दुनिया के अंदर हमारा ये अज़्म है कि दुनिया के अंदर हम लोगों के दिलों के अंदर हम उम्मीद की किरण को हमेशा बरकरार रखें। और आज ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल इस चीज़ का गवाह है कि हमने टुगेदर एज अ टीम, एज एन इंडिविजुअल, हम लोगों ने कि हम क्या नहीं कर सकते, एक एक अगर इंसान भी अपना छोटा छोटा सा पार्ट डोनेट करे या शेयर करे तो इतना बड़ा हम ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई होप एंड आई विश एंड आई यू नो वांट के दुनिया की हर जगह पे अगर ये चीज़ें होने लगी या लोग आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके सब अपना अपना पार्ट प्ले करने लगे तो शायद दुनिया के अंदर एक उम्मीद की किरण हमेशा बरकरार रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़ुहैब भाई इनका नाम है और मीडिया फील्ड में काफ़ी इन रह चुके हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज ज़ुहैब भाई से हमारी फिर यहाँ मुलाकात हुई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र। अल सेला, क्या काम हो रहा है, क्या कर रहे हैं आज यहाँ? स्टॉल लगाया आपका, क्या खिदमत हो रही है बच्चों की? बस जो हमारे पास इवेंट्स पिछले साल भी हम इस प्रोग्राम में थे, कोशिश होती है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मुख्तसर से कुछ चीज़ें लेकर आएँ। बाकी सभी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हमारी भी कोशिश ये होती है कि हम अपने टूरिज्म के हवाले से भी इनको गाइड कर सकें और अपने जो स्टॉल्स के हवाले से भी प्रेजेंटेशन कर सकें। आज हमारे पास बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो कि आपने विजिट कर लिया, आपने देख लिया, तो यही है किबला। सही। अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगा जो भाई आपसे कि इस तरह के प्रोग्राम्स हम देखते हैं कि नहीं होते ज़्यादातर, सीरत अब्बास जैदी का ये इनिशिएटिव है, उन्होंने लिया आज से 5 साल पहले, आज 5वां इवेंट है यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट्स मज़ीद होने चाहिए, कि आया ये हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर है इस तरह की चीज़ें? किबला जब पहली मरतबा हुआ था तो फरहान के साथ मैं इस टीम में शामिल था और बखूबी आप जानते हैं मैं इनकी एक बहुत बड़ी टीम में था, पर आहिस्ता आहिस्ता होते हुए आज ये 5वां प्रोग्राम है और मैं अल सेला को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह के इवेंट्स बहुत कम, मतलब आप देखेंगे तो वो नज़र ही नहीं आएंगे आपको। तो ये फरहान भाई की बहुत और सीरत भाई की बहुत अच्छी काविशिश है कि इन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया और उन बच्चों के लिए जो वो बच्चे जो कहते हुए घबराते थे कि मामा ये चीज़ हम ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, हमारे पास वसाइल है या नहीं है, तो उनके लिए ये बेसिक बेहतरीन एक प्रोग्राम है और ये सीरत भाई की काविशों को हम सराहेंगे। और आज बच्चों के चेहरे पर वो खुशी आप देख रहे हैं जो बहुत कम देखने को मिलती है खुशी, तो बहरहाल खुदा इनके तमाम चेहरों पे मुस्कुराहट कायम दाइम रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरफाना। इरफाना, इल्यूमिनेशन ऑफ होप का स्टॉल पिछले साल भी लगा था, इस साल भी लगा, इस साल क्या मुख्तलिफ है? इस बार जो है वो मेडिकल कैंप्स वो हर बार लगते हैं, हर बार हम बच्चों के मुताबिक चीज़ें रखते हैं, जैसे कि उनके लिए गेम्स वगैरह रखते हैं, उनके लिए जो है हमने बेकरी की चीज़ें रखी है। इस बार जो चेंज है वो बेकरी की चीज़ें, बाकी सब हमने पिछले साल भी किया था और इस साल भी किया। इल्यूमिनेशन ऑफ होप के मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो वो करते आए हैं और यहाँ आज और ख़ास अच्छा काम क्या हो रहा है बच्चों के लिए? अच्छा काम ये कि उनके लिए स्पेसिफिकली हमारा जो वो है आईओएस जो है वो बच्चों के लिए ड्रेस के लिहाज से चीज़ें अरेंज कर रहा होता है, उनके लिए क्या बोलते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह है और बस इतने ही, उनके लिए बच्चों के लिए जो बच्चे जिसमें खुश हो वो चीज़ें हम अरेंज करके रखते हैं, जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पर। तकरीबन कितने बच्चों के लिए आज आप लोगों ने अरेंजमेंट्स की हुई है कि कितने बच्चे इस आपके स्टॉल पर आके चीज़ें लेकर जा सकते हैं, मुस्तफीद हो सकते हैं? 400 to 500। यतीम बच्चे जो हैं वो हमारी जिम्मेदारी हैं, इस मुल्क की जिम्मेदारी हैं, रियासत की जिम्मेदारी हैं, और जो भी लोग शहरी सामने आते हैं और वो इसमें हाथ बटाते हैं तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को सपोर्ट किया जाए, इन लोगों को सराहाया जाए। हम तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है कि हम अपने यतीम बच्चों का, जो बच्चे सड़कों पर हैं, जिनको स्कूलों के अंदर होना चाहिए, जो भीख मांग रहे हैं, जिनको स्कूलों के अंदर और मैदानों के अंदर खेलना कूदना चाहिए, जो बच्चे जो हैं वो अपाहज हैं, जिनके पास ऐसे ट्रेनिंग स्कूल होने चाहिए कि अपनी माजूरी के बावजूद वो मुल्क और कौम के लिए कोई काम कर सकें, अपनी रोज़गार कमाने के लिए कोई काम कर सकें, जो बच्चे सड़कों पर बैठ के कचरे से और बचा कुचा लोगों का खाना जो खा रहे होते हैं,
उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी बचत नहीं होगी अगर हमने इन बच्चों को सहारा नहीं दिया। मेरे साथ अदील हैं, अदीबा साहिबा हैं पीटीआई से, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये लोग यहां पे शुरू से मौजूद हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं और मुझे बुलाने में भी इन लोगों का रोल है। मैं इन तमाम लोगों को बहुत बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनकी वजह से ही ऐसे अच्छे लोग इस मुल्क के अंदर हैं, तभी अल्लाह के अजाब से हम बचे हुए हैं। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि आज फिफ्थ ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल का बाज़ार जो है यहाँ सजाया गया था और हमने यहाँ लोगों से इंटरव्यूज़ लिए। हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ स्टॉल्स पर क्या क्या लगाया गया है और बच्चों को क्या कुछ दिया जा रहा है। ये वही कुछ मनाजिर थे जो आपने देखे, खुशियों के मनाजिर। कराची के शहरियों ने बाज़ार सजाया और लोगों में खुशियाँ बिखेरने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा शो मज़ेदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप हमें अपनी राय कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं और इंशाल्लाह फिर किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए काशिफ यारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।